हाँ भाई, देखो भाई रिकॉर्डिंग चली हुई है और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो देखो मैंने कान में आज ना ईयरफोन नहीं लगाए हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, चैट में ये आपके साइड में चैट का ऑप्शन दे रखा है, आपको चैट में कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी है आप वो पूछ सकते हो वहां से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछना है आप चैट में पूछेंगे, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, जैसे मैं कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आप चैट में ही पूछेंगे, मैं चैट देख करके ही जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने आज ईयरफोन नहीं लगाया हुआ, मैंने माइक लगाया हुआ, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा माइक दिख रहा होगा, ठीक है, तो माइक लगाया हुआ है मैंने, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मंजरी, गुड मॉर्निंग मोहिनी। चलो ये तुम्हारे लिए पढ़ाते हैं सेटअप से। अच्छा ये बताओ पहले तो फटाफट की जो आवाज है वो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, और आज मैंने जगह चेंज कर दी है, ठीक है, पढ़ाने की। गुड मॉर्निंग भूमि, गुड मॉर्निंग राखी। आप लोग वॉइस क्लियर कीजिए, वॉइस क्लियर है कि नहीं है। ओके थैंक यू। मोहिनी अपनी दोस्त को बुला लो, नहीं आई तो भाई चलो कोई बात नहीं। सुप्रभात नितिन। ओके चलिए जी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना कार्यवाही। और हाँ जी, सभी को स्क्रीन विजिबल है कि नहीं पहले ये बताओ फटाफट, कुछ दो चार क्वेश्चन है फॉर्मेलिटी इसलिए वो पूछूंगा मैं, और बताइए कि आपको ये स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी। देखिए इससे पहले जो कुछ भी है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, यूट्यूब पे, इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और वो देख लीजिएगा आप वो वीडियो, ठीक है हिमांशु, ठीक है जी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, एकदम आपको लाइव क्लास का ही मजा आएगा पूरा, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो हमारे सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा सिस्टम का क्या नाम है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, हाँ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा, इस ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, वो ऑर्गन मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम पढ़ रहे हैं इसकी हिस्टोलॉजी। और जब भी मैं हिस्टोलॉजी की बात करूंगा सीधी सी बात है, मैं बात कर रहा हूंगा आपके टिश्यूज की, कि इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व हैं। और जब भी मैंने आपको टिश्यूज पढ़ाए थे तो उसके अंदर की सेल भी मैंने पढ़ाई थी, सेल्स, ठीक है, सेल्स ये मैंने आपको पढ़ाई थी। चलो फिर तो इसकी सेल्स की बात करते हैं। देखो अभी तक आपने न्यूरॉन जैसे पढ़ा था कोई बात नहीं, लेकिन रियल में न्यूरॉन अलग देखते हैं,
न्यूरॉन रियल में इस तरह के दिखते हैं, ठीक है, इस तरह के आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। रियल में अगर आप न्यूरॉन को देखेंगे तो इस तरह के दिखेंगे, और इसके साइड वाली सेल न्यूरोग्लियल सेल इस तरह की दिखेंगी, जिसको कि मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है। और ये न्यूरॉन से निकलने वाली एक्सटेंशन जिसको डेंड्राइट बोलते हैं, न्यूरॉन से एक और एक्सटेंशन निकलती है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, इसकी सेल बॉडी से, न्यूरॉन की जो मेन सेल बॉडी है उससे दो तरह की एक्सटेंशन निकल रही है, एक तो है डेंड्राइट, एक है एक्सॉन, ठीक है, और ये है न्यूरॉन की अपनी खुद की सेल बॉडी। ओके चलो जी, तो सेल्स के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है सेल के अंदर में। तो ध्यान से सुनिएगा, सेल्स में एक तो है यहाँ पे न्यूरॉन और एक है न्यूरोग्लिया। अब ये ग्लिया सेल कौन सी है, ग्लियल सेल कौन सी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूरॉन को सपोर्ट कर रही है, और न्यूरॉन तो है ही, और न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। खैर पहले जो मैंने पढ़ाया था वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा कुछ है। हाँ तो सुनिए ध्यान से, तो न्यूरॉन क्या होता है और न्यूरोग्लिया क्या होता है, इन सबको मैं एक बारे में बता दे रहा हूँ। तो न्यूरॉन का मेनली काम क्या है, न्यूरॉन मेनली क्या काम करता है, ये सेंस करता है, जैसे कि कल के लेक्चर में बताया था सेंसिंग क्या होता है, ठीक है। इसकी मदद से हम थिंक कर पाते हैं, रिमेम्बर कर पाते हैं, किसी भी चीज को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने बॉडी की मस्कुलर एक्टिविटीज को, ठीक है, और रेगुलेट कर पाते हैं ग्लैंड के सेक्रेशन को भी। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इन न्यूरॉन्स की मदद से हमारे बॉडी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, एक तो सेंस करने का, सेंस इज लाइक बाहर से टेम्परेचर कितना है, किसी ने मुझे टच तो नहीं कर दिया है, ठीक है, और किसी ने पिन तो नहीं चुभो दी है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम सेंस कर सकते हैं। सेंस में आपके सेंसरी ऑर्गन के अलग अलग रिसेप्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, बाहर की स्मेल कैसी है, ठीक है, ये कलर कैसा है, व्हाटएवर, हम सोचते कैसे हैं वो भी इसमें आ जाएगा, है ना, और हम याद कैसे रखते हैं वो भी न्यूरॉन्स के ही कंट्रोल में आता है, और हमारी मस्कुलर एक्टिविटी जो है, जो भी मैं अभी हाथ हिला पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, इज ऑल ड्यू टू मसल्स, ठीक है। तो जो भी मैं मूवमेंट कर पाता हूँ या लोकोमोशन कर पाता हूँ बॉडी में, मतलब मस्कुलर मूवमेंट, जितनी मस्कुलर एक्टिविटी मेरी बॉडी में होती है वो सब न्यूरॉन्स की वजह से होती है, ठीक है, न्यूरॉन्स की वजह से, और मेरी ग्लैंड्स की जितनी भी सेक्रीशन है उसको भी रेगुलेट करता है न्यूरॉन, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी ग्लैंड हो। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं न्यूरोग्लिया की। ये चीज एनसीईआरटी में ना डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। न्यूरोग्लिया काम होता है सपोर्ट करना, नरिश करना, सपोर्ट करना, नरिश करना, ठीक है, और प्रोटेक्ट करना। क्या क्या बोला मैंने, सपोर्ट करना, नरिश करना, प्रोटेक्ट करना, किसको, न्यूरॉन्स को, मतलब न्यूरॉन जो इतना काम संभाल रहा है बॉडी का, तो उसका भी तो कोई चेला होना चाहिए, कोई इसका भी तो दोस्त होना चाहिए, चेला है दोस्त है, उसका तो कोई दोस्त होना चाहिए ना, उसका दोस्त है जो उसको हर टाइम पे सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, नरिश भी करता है उसको, ठीक है, और होमियोस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। व्हाट इज होमियोस्टेसिस, लाइक दिस इज अ सेल और इसके अंदर टेम्परेचर, आयन, इन सब का बैलेंस बना रहे आउटसाइड एनवायरनमेंट के हिसाब से, जितना भी हमें चाहिए होगा वो सब इसके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है, आयन जितना होना चाहिए उतना ही है, टेम्परेचर इतना होना चाहिए तो इतना ही है। लेकिन अगर मैं अपनी ही बॉडी की बात करूं तो मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर 37, अगर मैं 37 को मेंटेन कर पाता हूं तो अच्छी बात है। अब जो इस मेंटेन करने की जो प्रोसेस है उसी को मैं होमियोस्टेसिस बोलूंगा। भाई यहां तक समझ में आया नहीं, जल्दी बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, जल्दी टाइप करो भाई। ओके ओके ठीक है भाई, चलो समझ में आ रहा है, हमें भी खुशी हो रही है ये सब देखते हुए। अच्छा जी, तो मेंटेन करता है होमियोस्टेसिस को इन द इंटरस्टीशियल फ्लूड दैट बाथ्स देम, ठीक है, ये जो इंटरस्टीशियल फ्लूड है, ठीक है, इंटरस्टीशियल फ्लूड, जो भी इंटरस्टीशियल स्पेस में जो भी फ्लूड रहेगा उसी को हम इंटरस्टीशियल फ्लूड बोलते हैं। नॉर्मली इस इंटरस्टीशियल फ्लूड को हम लिम्फ बोल देते हैं, याद रखना, ठीक है, और ये ही मिडिल मैन होता है, मिडिल मैन, मिडिल मैन, इसको हम मिडिल मैन भी बोल देते हैं, ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। मेनली लिम्फ होता है, ठीक है, हालांकि मैंने आपको बहुत पहले ये भी पढ़ाया था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जैसे हमने टिश्यू से पढ़ा था मैट्रिक्स, तो वहां पे हमने लिम्फ नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। चलो जिसके बाद आगे बात करते हैं,
तो नियोन आपने जो पढ़ा है आज तक वो ये ही डायग्राम पढ़ा होगा, ये ही छोटा सा डायग्राम जिसमें आपने दो चार चीजें पढ़ी हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा न्यूरॉन को, ठीक है। अच्छा, अब डायवर्सिटी की बात करते हैं, न्यूरॉन कितने तरह के मिलते हैं शरीर में, हालांकि मैं आगे और भी डायवर्सिटी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी तो डायन्यूटन जो होता है इसके साइटोन का, देखिए जब मैं साइटोन बोल दू, साइटोन का मतलब होता है सेल बॉडी, ठीक है, याद रखिएगा साइटोन का मतलब है सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है साइटोन, ये होता है साइटोन, तो साइटोन, ठीक है। तो साइटोन का जो डायमीटर है वो होता है 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 135 माइक्रोमीटर। आइए उतना तो पता ही होगा 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, ठीक है जी। अच्छा, और न्यूरॉन के अंदर वेरिएशन होता है इनके डेंड्राइटिक ब्रांचिंग में, इनके जो डेंड्राइट्स हैं इनकी ब्रांचिंग में वेरिएशन होता है, कोई डेंड्राइट बड़ी है, कोई कैसी है, कोई फ्यूज हुई पड़ी है, इन सब के बेसिस पे भी न्यूरॉन के अलग अलग टाइप हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल कुछ न्यूरॉन, कुछ छोटे छोटे न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सॉन नहीं होता है, क्या बोला मैंने, जिनके पास एक्सॉन नहीं होता है। अब ऐसे न्यूरॉन जिनके पास एक्सॉन नहीं होगा उसको बोलेंगे एन एक्सॉनिक न्यूरॉन, याद रखना भाई, ऐसे न्यूरॉन को हम बोलेंगे एन एक्सॉनिक न्यूरॉन, ठीक है। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बहुत छोटे छोटे एग्जॉन भी हो सकते हैं, ऐसे न्यूरॉन भी हैं हमारे शरीर में। अब जो अलग चीजें वो मैंने आपको बता दी है, हालांकि आप सभी जानते हैं न्यूरॉन बहुत बड़ी सेल है हमारे शरीर के अंदर, लार्जेस्ट सेल हमारे बॉडी की, ठीक है, लार्जेस्ट हमारे बॉडी की है, मेल केस में तो यही लार्जेस्ट है, फीमेल केस में सेकेंड लार्जेस्ट ये हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फीमेल के केस में वो बड़े हैं। यूं तो न्यूरॉन इतने बड़े भी हैं हमारे शरीर में कि एक्सप्रेस कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं बनाया मुझे, ठीक है, मुझे पता है चार बना दी मैंने, तीन उंगली और एक अंगूठा बना, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कोई आपको गुद्दी करे, ठीक है, टिकलिंग करे, टिकलिंग पंख से, हालांकि पंख से कोई करता नहीं होगा, हाथों से कर देते हैं हमारे देहाती एरिया में तो, ठीक है, तो अगर कोई आपको यहाँ टिकलिंग कर रहा है पंख की मदद से, तो न्यूरॉन है और ब्रेन है, ठीक है। हाँ बोलो भाई, रेज हैंड किया किसी ने, सुनेगा नहीं, अजीब सा, सर सर एक नंबर, हाँ सबके साथ लोगे क्या, एक मिनट में निकाल रहा हूँ फिर बोलना, ठीक है, सबके साथ लोगे क्या, सलोनी दीपांशु भैया बोल सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो। सर वो गलती से हो गया था। अच्छा भाई, ऐसे क्लास में नहीं होता ना, सही नहीं लगता ऐसे, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे चल देता हूँ। अब मैंने माइक लगा दिया है दोबारा से, अब मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, कट कट के आ रही है वॉइस, तो बच्चे आपके ना उसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे तो पीछे ही जस्ट वाईफाई लगा हुआ है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और मैंने वेरिफिकेशन के लिए ना यहाँ पे एक फोन भी रखा हुआ है, मैं यहाँ भी दिख रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पे भी। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।
यहाँ हमें थोड़ा था भाई, सब मिट गया अभी तो। ये सर सही आ रही है वॉइस, थैंक यू चलो भाई। अरे भाई तुमने क्या करवा दिया ये। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने बताया था कि देखो न्यूरॉन तो बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, तो छोटे कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हालांकि न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल है ये मैंने आपको बता दिया है, और बड़ी सेल तो इतनी बड़ी हो सकती है कि कोई आपके पैर में गुदगुदी मचा रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है न्यूरॉन और आपके ब्रेन के लोअर हिस्से तक जा रहा है, इतना बड़ा न्यूरॉन एक ही। ठीक है, तो इतना भी हो सकता है ना। बहुत अमेजिंग बॉडी है आपकी, इस बॉडी को लेकर खुश रहें ठीक है जिंदगी में। आगे चलते हैं, चलिए इसके बाद बात करते हैं हिस्टोलॉजी में। मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू बता दिया सेल का, लेकिन अब इसको डिटेल में जानते हैं। तो न्यूरॉन की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आपको बता देना है कि न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, न्यूरल टिश्यू की। न्यूरल टिश्यू बोल दीजिए या फिर कोई आपसे पूछे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, नर्वस सिस्टम की, तब भी आपको ये ही जवाब देना है, तब भी आपको ये ही जवाब देना है। ठीक है, अच्छा आजकल नर्वस और न्यूरल एक ही है, आज के टाइम में नर्वस कोई नहीं बोलता है, सब न्यूरल बोलते हैं, इसलिए मैंने अपनी स्लाइड में मोस्टली न्यूरल वर्ड ही यूज किया है। ठीक है जी सर, मैं यहां तक ओके। अच्छा बोल सकते हो, मैंने सेकंड में फोन लगा रखा है, आप यहां से बोल सकते हो, आवाज आ जाएगी। अच्छा इसके बाद कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो हमारी पूरी बॉडी की लेंथ के बराबर है। ठीक है, जैसे कि आपके फुट के नीचे वाले हिस्से से आपके ब्रेन तक इतने बड़े भी हो सकते हैं कुछ न्यूरॉन तो। अच्छा जी, अब जो नर्व इंपल्स है, देखो नर्व इंपल्स क्या होती है, सुनेगा ध्यान से। ठीक है, नर्व इंपल्स क्या होती है, इसको सुने ध्यान से। तो ये नर्व इंपल्स जैसे आपके जो न्यूरॉन है, आपके न्यूरॉन एक जगह से दूसरी जगह ना मैसेज ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी है, इसकी वैल्यू आपको मैंने बता दी है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें। हमारे नर्व इंपल्स की जो स्पीड है वो है 0.5। हाजी सलमानी क्यों हैंड रेज किया बताओ भाई, टाइप करो। अरे हैंड रेज किया है भाई, बोलो तो सही, टाइप करो उसमें। चलो ये टाइप कर दीजिए तब तक हम आगे चलते हैं। तो नर्व इम्पल्स की जो सर गलती से, अरे भाई ये गलतियां मत किया करो, गलती से हाथ ऊपर कर दिया भाई, ये कोई बात है। चलो जी कोई बात नहीं, तो बात करते हैं यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो है 0.5 से 130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारा जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम जो है, देखो मैंने तो नर्वस सिस्टम बोल बोल के पढ़ा है अपने टाइम पे, तो इसलिए मेरे मुंह से नर्वस सिस्टम निकल रहा है। नर्वस सिस्टम बोल दीजिए या फिर न्यूरल सिस्टम बोल दीजिए, बात एक ही, लेकिन आज के टाइम पे न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम जो है इसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और कल के लेक्चर में आपको बताया था कि एक बार अगर न्यूरॉन फुली फॉर्म हो जाता है तो वो कभी डिवाइड नहीं करता है और वो इंटरफेस में बना रहता है अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी भर वो इंटरफेस में रहेगा, और इंटरफेस को हम नॉन डिवाइडिंग फेस बोलते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। चलो अब बात करते हैं इसके डायग्राम की, तो देखो भाई डिटेल में बता रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले सेल बॉडी की तरफ चलेंगे। तो देखो भाई आपका जो ये सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस निकल रही हैं, उसको हम डेंड्राइट बोल रहे हैं, जो कि मैसेज को लेके आता है नर्व के अंदर। देखो एरोज आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद न्यूरॉन्स के अंदर कुछ इसके ना वो होते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बहुत पहले, सेल के अंदर ना वो होता है साइटोस्केलेटन, विच इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। तीन तरह के फाइबर्स होते हैं, माइक्रो फाइबर, माइक्रो ट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये न्यूरो फाइबर है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के बराबर के डायमीटर के होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर न्यूक्लियस है इसके पास जो कि आपको दिख रहा होगा, निसिल्स बॉडीज क्या है ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, सस्पेंस रखें थोड़ा। और
न्यूरॉन की सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म भी होता है। साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, यू ऑल नो अबाउट दिस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नाउ इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो, ए नहीं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। और ये है एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ एक्सॉन हिलॉक क्या होता है। ये जो इसका कोनिकल हिस्सा है न्यूरॉन का, जो कोनिकल हिस्सा है मतलब सेल बॉडी का जो कोनिकल हिस्सा है जो इसको जोड़ेगा एक्सॉन से, कैसे डेफिनेशन देंगे एक्सॉन हिलॉक की, सेल बॉडी का कोनिकल हिस्सा जो इसको एक्सॉन से जोड़ता है उसको, भाई आवाज आ रही होगी ठीक है, उसको हम एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। बताओ एक्सॉन हिलॉक समझ में आया नहीं आया, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर मैंने को बताया है, बताइए जल्दी से, बस यस लिख दो उतने में ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरी आत्मा को उतनी शांति मिल जाएगी। यस यस ओके, चलो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इसके बाद आगे चलते हैं, आपको मैंने सेल बॉडी समझा दिया है, इसमें ये इनिशियल सेगमेंट कुछ नहीं है, बस इसका एग्जोन का पहले वाला हिस्सा है और कुछ नहीं है, ठीक है, एग्जोन के पहले वाला हिस्सा है उस इनिशियल सेगमेंट बोल दिया है, नथिंग एल्स, ठीक है। इसका बात करते हैं एग्जोन की, ठीक है, मैं एग्जोन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखो एग्जोन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो एग्जोन के अंदर एक तो आपको देखो ये एग्जोन मिल ही रहा है, इस एग्जोन के चारों तरफ, इस एग्जोन के चारों तरफ आपको एक माइलिन शीथ मिल रही है, माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ मिल रही है जो कि इसको कवरिंग दे रहा है। जैसे कि आप मान के चलो आपके घरों में जो तार हैं, आपके घरों में जो तार हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की या फिर कुछ इंसुलेटर की कोटिंग होती है, ठीक है, इंसुलेटर की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से एक तो आपका जो करंट है उसका फ्लो तेजी से हो जाए, दूसरा आपको भी करंट ना लगे, शॉर्ट सर्किट के चांस कम हो, ऐसे ही हमारे न्यूरॉन के ऊपर भी होता है, ठीक है। खैर इन माइलिन के बारे में मैं और डिटेल बताऊंगा आपको, टेंशन ना लें, ठीक है। अब एग्जॉन जो भी मैसेज डेंड्राइट की मदद से आता है, ठीक है, डेंड्राइट की मदद से अंदर आया, सेल बॉडी ने उसको प्रोसेस किया, उसके बाद फिर एक्सोटर्म लाइफ चलते हैं और लास्ट को जाके एक बल्ब सिनेप्टिक एंड बल्ब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, एक्सोन के अंदर देखो यहाँ पे सबसे इधर इधर हाथ दिख रहा होगा आपको, छोटा किब है, उसको हम एक्सोप्लाज्म उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, एक्सोलेमा बोलेंगे। मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के अलग अलग नाम बताए थे, लाइक इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं, तो ये प्लाज्मा लेमा का ही मिलता जुलता वर्ड लग रहा है, तो इसको मैं बोलते एक्सोलेमा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर चल रहे हैं, वही फाइबर जो देखो ऊपर चल रहे थे न्यूरो फाइबर, ठीक है, वही फाइबर अंदर तक चल रहे हैं जो कि इसको एक्सटेंशन में हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको 9+2 अरेंजमेंट पढ़ाया था, जिससे कि उसकी स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है सीलिया फ्लैजिला में, ऐसा ही यहाँ फाइबर ये ही काम करता है, इसको एक्सटेंड रखता है, ठीक है, एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा है। अब ये माइलिन शीथ का क्या कंसेप्ट है, कैसे कैसे बनती है माइलिन शीथ, और ये स्वान सेल क्या है, ये सब एक्चुअल में न्यूरोग्लियल सेल है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको ग्लियल सेल पढ़ाऊंगा। फिलहाल मेरा फोकस है आपके नर्वस सेल पे जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। तो आई होप न्यूरॉन के अंदर जितने भी पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बस मैंने छोड़ा क्या है, मैंने छोड़ा है एक तो मैंने ये छोड़ दिया नोड्स ऑफ रेनवियर, जहां पे ये जो गैप होता है ना दो इनके बीच में, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, हमारे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, कौन बच्चा है, गुड मॉर्निंग सर, अरे कोई बच्चा रहेगा क्या आपके पास, मैसेज किया गया किसी ने कि उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, जी
ज्वाइन नाउ के बाद ही आ रहा है। अच्छा उसको मैंने अलाउ नहीं किया होगा ना अभी तक। चलो ठीक है, मैं उसको एक बार मिला देता हूँ क्लास में। एक मिनट बच्चों, देख लेता हूँ एक बच्चा साथ परेशान था। चलो ये कोई बात नहीं, परेशान रहेगी दुनिया थोड़ा बहुत। हाँ जिसके बाद आगे बात करते हैं, मैं आपको और आगे पढ़ाने जा रहा हूँ और यहाँ तक हम चले गए थे। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको ये सब पढ़ाया था। अब आगे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ आप देख सकते हो मैंने आपको पढ़ा दिया है, साइटोप्लाज्म पढ़ा दिया है, ठीक है। माइलिन शीथ के बारे में डिस्कस करूंगा फ्यूचर में, और न्यूरोलेमा क्या ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्वान सेल एक ग्लियल सेल है, कैसे सपोर्ट करती है वो सब बताया। ग्लियल सेल का काम मैंने आपको अभी भी बताया था, ठीक है। एक्सॉन बता दिया है। अब देखो एग्जॉन से भी कुछ एक्सटेंशन निकलती है, ठीक है, याद रखना। एग्जॉन से कुछ एक्सटेंशन निकलती हैं, जिसको हम एग्जॉन कोलेटरल बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। एग्जॉन से अगर कोई एक्सटेंशन निकल गई पहले ही नर्व एंडिंग पे जाने के बजाय, पहले ही कोई एक्सटेंशन निकल गई तो उसको बोलेंगे एग्जॉन कोलेटरल, ठीक है, याद रखना। ये एक्स्ट्रा टर्म है आपके लिए, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। चलो जी, तो ये एक मोटर न्यूरॉन के हिस्से थे, और मैंने आपको कल बताया था मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं। खैर कोई बात नहीं, तो देखो न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से समराइज कर रहा हूं। एक तो होता है इसका साइटोन, एक होता है न्यूराइट। एक साइटोन होता है, न्यूराइट होता है। साइटोन को हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, सेल बॉडी। और न्यूराइट कुछ नहीं होते, एक्सटेंशन होते हैं सेल बॉडी की। सेल बॉडी की जो एक्सटेंशन है उसी को हम न्यूराइट बोल देते हैं। ये आपने दो पढ़े होंगे न्यूराइट, न्यूराइट आपने दो पढ़े होंगे। कौन कौन से दो पढ़े हैं? एक तो आपने पढ़ लिया डेंड्राइट, एक आपने पढ़ लिया एक्सोन, ठीक है। तो इसमें डेंड्राइट आएगा और एक्सोन आएगा, ठीक है, याद रखना ये बात। चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं सेल बॉडी की। सेल बॉडी को आप लोग साइटोन भी बोल सकते हो, और सेल बॉडी को आप लोग सोमा बोल सकते हो, सोमा, ठीक है। ये सोमा वर्ड पहले भी आया था, जब मैंने आपको ना राइबोसोम पढ़ाया था। राइबोसोम, जब मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया था तो इसमें वर्ड आ रहा है सोमा, सोम, सोम वर्ड आया सोमा से, ठीक है। ऐसे मैंने आपको क्रोमोसोम पढ़ाया था, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में वर्ड आया सोमा, इसका मतलब भी बॉडी होता है। तो सोमा मतलब होता है बॉडी, ठीक है, इसलिए इसको सोमा बोल दिया है। आई होप सोमा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलो इसको आगे चलते हैं। सेल बॉडी में मेनली आपके सिलेबस में तो न्यूक्लियस है, और फ्री राइबोसोम है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब ये फ्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएंगे तब बनेगा नेसल्स ग्रेन्यूल, ठीक है, याद रखना। जब फ्री राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? नेसल्स ग्रेन्यूल बन जाएगा। अब बुक्स में तो ये भी लिखा हुआ था, इस सुबह सुबह ट्रैफिक ज्यादा ही होता है, एक तो इस रूम में ये परेशानी है। चलो कोई बात नहीं, फोकस करने वाले फोकस करेंगे, ठीक है। तो निसेल्स ग्रेन्यूल कैसे बना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम जब अटैच हुए, ठीक है। अब कुछ बुक्स में ना एक वर्ड दे रखा है पॉलीसोम, पॉलीसोम दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, पॉलीसोम उसने बस इसीलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो रहे हैं, ठीक है, मैनी राइबोसोम, तो मैंने राइबोसोम को पॉलीसोम बोल दिया है।
हालांकि सेल वाले चैप्टर में इसका मीनिंग क्या था, सेल वाले चैप्टर में इसका मीनिंग पढ़ा था, जब एक ही एमआरएनए से बहुत सारे क्या अटैच हो जाए, राइबोसोम अटैच हो जाए, जब एक ही एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, तब इस कंडीशन को हम लोग पॉलीसोम या फिर पॉली राइबोसोम बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉलीसोम इसलिए बोला है उस बुक में, मैं समझ गया था, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम किससे अटैच हो रहे हैं, एक ही एंडोलॉजी रेटिकुलम से अटैच हो रहे हैं, तो इसको पॉलीसोम बोल दिया है, ठीक है। तो मिसेस ग्रेनुल कैसे बनेगा ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास मिल जाएंगे इसी ऐप पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सेल बॉडी की डिटेल में, ठीक है। तो देखिए भाई, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूरोप्लाज्म होता है, मतलब सेल बॉडी के अंदर का जो उसका साइटोप्लाज्म है उसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे, इसका जो क्या है साइटोप्लाज्म, उसी को क्या बोल देंगे हम, न्यूरोप्लाज्म बोल देंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी, याद रखना मैं सेल बॉडी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसके भी बहुत सारे पार्ट है तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे इसके अंदर ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, गोल्जी एपरेटस होता है इसके अंदर, ठीक है। गोल्जी एपरेटस क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, अब ये मत पूछना मेरे से, पहले पढ़ाता हूँ सेल वाले चैप्टर में। निसिस ग्रेनुल इसके अंदर मिलते हैं, अब मैं निसिस ग्रेनुल ही लिखा है, मैंने क्यों नहीं लिखा फ्री राइबोसोम और रफ एंडोडल रेटिकुलम, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हो चुके हो, ठीक है। इसके बाद निसिस ग्रेनुल की बात आता है, इसमें लाइसोसोम आता है, अगर सेल के अंदर कोई पॉइजनस अवशेष बन जाता है तो उसको भी तो बैश करेगा ना ये। इसके बाद फैट ग्लोब्यूल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर पिगमेंट ग्रेनुल्स होते हैं, कुछ पिगमेंट ग्रेनुल, पिगमेंट का क्या काम होता है, कलर देना, तो ये पिगमेंट ग्रेनुल कौन सा वो भी बताएंगे। इसके अंदर न्यूरो फाइबर्स होते हैं, और मैंने बताया था ये कैसे हो सकते हैं, ये या तो होंगे आपके माइक्रो फिलामेंट, या होंगे या तो होंगे माइक्रो फिलामेंट, या फिर ये आपके होंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो सकते हैं। आपको पढ़ा रखा है सब कुछ सेल वाले चैप्टर में, या फिर होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, ओके जी। इस बात करते हैं, इसके अंदर होता है न्यूरो ट्यूब्यूल्स भी, मतलब जो इसके माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं वो भी इसके अंदर मिल सकते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल। अब ये सब मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी अलग अलग टर्म्स हैं, और ये दोनों कुछ नहीं है, ये दोनों इसके साइटो स्केलेटन ही है। इसका क्या है, साइटो स्केलेटन, और आपने पढ़ा हुआ साइटो स्केलेटन क्या होता है, ठीक है, इसका साइटो स्केलेटन ही है, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं और बातें तो और भी करेंगे हम लोग। तो देखो पिगमेंट ग्रेनुल कौन सा इसके अंदर, वो बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो पिगमेंट है उसका नाम है लिपोफ्यूसिन, ठीक है, जो कि येलोइश ब्राउन कलर का ग्रेन्यूल है, ठीक है। ये लिपिड से बन जाता है और कुछ नहीं है, जो लिपिड है ना उससे बन जाता है, ये लिपिड से, लिपिड वगैरह से, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। अच्छा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसकी सेल मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा नहीं बोलेंगे, न्यूरोलेमा किसको बोलेंगे मैं बता दूंगा आगे जाके, ठीक है। चाहे जैसे इसको न्यूरोप्लाज्म बोल दिया सर, उसको भी ना हम न्यूरोलेमा बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो इसी के साथ आपका सेल बॉडी खत्म। बताओ सेल बॉडी में जितना पढ़ाया था उतना ही पढ़ लोगे, काफी है, या किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, जल्दी बताओ। बताइए मुझे इंसानों, एनी डाउट, फिर मैं आगे चल रहा हूं। अरे बोलो भाई, कोई यस नो, यस नो कुछ तो होता है, तुम क्या मुर्दे बैठे हो गए हमें है भाई। ये आवाज नहीं आ रही है, नो डाउट सर, नो सर, ओके ठीक है। कैसे मतलब, क्या एनर्जी कम है क्या, सुबह सुबह आप बेड पे सोते सोते पढ़ रहे हो तुम लोग है भाई। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इस वर्ग में आलस से मिलना कॉमन है, हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो बात करते हैं इसके बाद आगे, और मैंने आपको सेल बॉडी पढ़ा दिया, इसके बाद अब पढ़ते हैं न्यूराइट्स के बारे में, ठीक है। न्यूराइट्स, तो देखो न्यूराइट्स क्या होते हैं, आपने देख सकते हो यहाँ पे ही, इधर में देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक तो इसका डेंड्राइट निकल रहा है, ये भी इसको बोलते हैं माइनर न्यूराइट, ठीक है, याद रखना। तो सेल बॉडी से जो डेंड्राइट निकलता है माइनर न्यूराइट बोलते हैं, और जो एक्सॉन निकल रहा है इसको हम बोलते हैं मेजर न्यूराइट। तो न्यूराइट कुछ नहीं है, एक्सटेंशन ही तो है, और कुछ थोड़ी ना है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, तो न्यूराइट देखो
दो हैं। सबसे पहले आपको पढ़ा तो डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स को हम लोग डेंड्रॉन्स नहीं बोल सकते, ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग टर्म्स लिख रहा हूँ जिसके आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, डेंड्राइट ही है, और क्या है ये, कुछ नहीं है, बस ये डेंड्राइट्स ही है, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स बोल दीजिए या फिर डेंड्रॉन्स बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद करते हैं डेंड्रॉन्स के अंदर होता क्या क्या है, डेंड्रॉन्स के अंदर देखो क्या क्या होता है, याद रखना। एक तो इसके अंदर हो सकता है न्यूरो फाइब्रिल्स, इसके अंदर हो सकता है न्यूरो ट्यूब्यूल्स, और हो सकता है इसके अंदर निसेल्स ग्रेन्यूल। आप इसको निसेल्स ग्रेन्यूल बोल दो या फिर निसेल्स बॉडीज बोल दो, एक ही बात है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं अलग अलग टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है। तो निसेल्स बॉडीज बोल दीजिए या फिर निसेल्स ग्रेन्यूल बोल दीजिए, और आपको पता ही है निसेल्स ग्रेन्यूल कैसे बनता है, ठीक है, आपको पता है सब, इतने स्मार्ट हो आप लोग। अच्छा जी, इसका मेनली काम क्या होता है, इसका मेनली काम होता है एफरेंट प्रोसेस। एफरेंट क्या होता है, आपने 10th क्लास में ग्लोमेरुलस पढ़ा होगा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस पढ़ा होगा। इसमें ना दो तरह के आर्ट्रियोल होते हैं, एक तो होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, एक होता है ईफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट वो होता है जो ब्लड को लेके आता है, ईफरेंट वो होता है जो ब्लड को लेके जाता है। ये बस मैं रिलेट कर रहा हूँ आपकी 10th क्लास से, ठीक है। तो एफरेंट का मतलब होता है आउजी, A4 आउजी, ठीक है, आउजी आउजी, ठीक है, आओ। तो मतलब कोई भी मैसेज अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो वो डेंड्राइट्स के थ्रू ही होता है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया एफरेंट प्रोसेस, ओके। अच्छा जी, इसमें बात करते हैं दूसरे आपका जो मेजर न्यूराइट है, दैट इज एक्सॉन। तो एक्सॉन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सॉन में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, एक्सॉन के अंदर होता है एक्सोलेमा। कोई बताएगा व्हाट इज एक्सोलेमा, मैंने आपको पढ़ाया था अभी। कोई भी इंसान जो जिंदा हो, व्हाट इज एक्सोलेमा टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। एग्जॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को बोलते हैं, सही बात है भाई एकदम, बहुत बढ़िया, आत्मा को शांति मिली। आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, एक्सोलेमा किस समय आ चुका है, इसके बाद बात करते हैं एक्सोप्लाज्म की। आई होप आप इसको ये बोल ही देंगे, ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये आप बता देंगे, इतने स्मार्ट आप हो चुके हैं इस उम्र में। इसके बाद करते हैं एक्सोन टर्मिनल की, आप समझ सकते हो एक्सोन का जो मतलब इस सेल का जो लास्ट वाला हिस्सा है, जहां से अब वो इस मैसेज को या तो किसी ऑर्गन के पास ट्रांसफर करेगा या फिर किसी दूसरे न्यूरॉन के पास ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। अगर ये एक्सॉन टर्मिनल मैसेज को भेज रहे हैं किसके पास, किसी दूसरे न्यूरॉन के पास या फिर किसी मसल के पास या फिर किसी ग्लैंड के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बन जाएगा एक जंक्शन, इस जगह को क्या बोलेंगे हम, जंक्शन बोलेंगे, जहां पे ये एक्सॉन टर्मिनल किसी मसल से या ग्लैंड से, उसको बोलेंगे जंक्शन, ठीक है। और अगर किसी दूसरे न्यूरॉन से मिल रहा है तो उस जगह को हम बोलेंगे सिनेप्स, बोलेंगे सिनेप्स, ठीक है। इस बात आगे चल रहे हैं और बात करते हैं कोलेटरल फाइबर्स, किसके अंदर ना फाइबर्स नहीं होते हैं, वो माइक्रो फाइबर ही है, मतलब वो जो क्या था आपका ये साइटोस्केलेटन, और कुछ नहीं, वो फाइबर्स ही है, ठीक है, कोलेटरल फाइबर्स है, जो जैसे न्यूरो फाइबर, कोलेटरल फाइबर्स, दो बार लिख दिया मैंने, नहीं लिखना चाहिए था। इसके बाद बात करते हैं एफरेंट प्रोसेस, ये किसमें इन्वॉल्व होता है, एफरेंट प्रोसेस में। एफरेंट प्रोसेस कौन सी होती है, अब ये मैसेज को यहां से कहीं और ट्रांसफर करेगा, इसलिए हमने प्रोसेस का क्या नाम दे दिया है, एफरेंट प्रोसेस। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा न्यूराइट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं और देखते हैं क्या बचता है। हाँ जी, कुछ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं न्यूरॉन का, टाइम बच रहा है तो कर लेते हैं, बच रहा है अभी टाइम। तो देखो न्यूरॉन के अलग अलग टाइप है, पहला है नॉन पोलर, यूनिपोलर, सूडो पोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर, ठीक है ना। तो नॉन पोलर जो होता है ये कुछ नहीं, एनएक्सोनिक न्यूरॉन ही है, एनएक्सोनिक, एनएक्सोनिक, जिसके पास एग्जॉन नहीं होता है, ठीक है। नॉन पोलर इस तरह का होता है, लाइक इस तरह का, बस बन गया, यहीं से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, लेकिन इसमें एग्जॉन नहीं निकल रहा है, तो इसे कोई पोल नहीं मिल रहा, ये कहाँ छोड़ेगा, कहाँ से मैसेज ला रहा, क्या करेगा, ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के न्यूरॉन याद रखना, इस तरह के न्यूरॉन ह्यूमन में नहीं मिलते हैं, इस तरह के न्यूरॉन ह्यूमन में नहीं मिलेंगे, तो नॉन पोलर ह्यूमन में नहीं मिलेगा, ठीक है। यूनिपोलर आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है, इसमें डेंड्राइट्स और जो आपका ये है नर्व एंडिंग, ये फ्यूज हो चुका है, ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि इसके अंदर डेंड्राइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सोन है और नर्व एंडिंग है, ठीक है। इसके बाद करते हैं सूडो यूनिपोलर की, तो सूडो यूनिपोलर आप देख सकते हो यहाँ पर,
ठीक है। सूडो यूनिपोलर क्या होता है देखो, पहले तो याद रखना यूनिपोलर का एम्ब्रियोनिक स्टेज मिलता है, कहाँ मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इस नर्व से एक एक एक्सटेंशन निकलेगी और यहां से दो तरफ डिवाइड हो गया ये। अब ये बाइपोलर जैसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये एक जगह पर आके फ्यूज हो गए हैं, जबकि देखो जो एक्चुअल में बाइपोलर है वो इस सेल के दो अलग अलग पोल से निकल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, एक जगह से ही पहले तो एक ही निकला फिर वो दो में डिवाइड हुआ है। तो ये सूडो यूनिपोलर है, या फिर आप इसको सूडो बाइपोलर भी बोल दोगे तो भी आप गलत नहीं होंगे, ठीक है। और है मल्टीपोलर, जो कि हमने अभी अभी स्टडी किया, ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है, अभी मैंने हमने स्टडी किया था। तो ठीक है, ये रेयर होता है वर्टिब्रेट में, लेकिन ये नाइडेरिया से मिलता है, जो हाइड्रा सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा में क्या मिलता है, आपको पढ़ाया था इसके अंदर के नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं हम, आपको पढ़ाया था, अगर किसी को याद है तो बताओ क्या बोलते हैं इसके अंदर के नर्वस सिस्टम को, कल ही लेक्चर में पढ़ाया था भाई, और उससे पहले भी पढ़ाया था, कोई बात नहीं बताना फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो टाइप करो, और यूनिपोलर आपका मिलता है यूजुअली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, कहाँ मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, एक ही निकल रहा होता है लेकिन बाद में जाके डिवाइड हो जाता है इस तरह से, जैसे यहाँ हो रहा है नीचे, ठीक है। और सूडो यूनिपोलर क्या होता है, ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में मिलता है। गैंग्लिया क्या होता है, कल आपको बताया था, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। बाइपोलर क्या होता है, ये रेटिना ऑफ आई में मिलेगा, इनर ईयर में मिलेगा और ऑल्फैक्टरी एरिया में मिलेगा। ऑल्फैक्टरी एरिया होता है जहां से हम स्मेल लेते हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ ब्रेन। मल्टीपोलर आपका, ज्यादा न्यूरॉन जो है ब्रेन के अंदर वो सभी मल्टीपोलर ही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितने भी न्यूरॉन है वो सभी क्या है, मल्टीपोलर ही है, ठीक है। अच्छा, क्या इसका जवाब आपको पता चला, इसका जवाब क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा था नर्व नेट, नर्व नेट मिलते हैं ना, नर्व नेट, तो ये ह्यूमन में तो मिलता नहीं है, वर्टिब्रेट्स में मिलता नहीं है और नाइडेरिया में मिलता है, ठीक है, रेयर होता है वर्टिब्रेट्स में। इसके आगे चलते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो दो तरह के न्यूरॉन और हैं आपके सिलेबस में, स्पेशली टाइम खत्म हो चुका है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, 10 मिनट और दीजिएगा मुझे। एक तो इसमें पुरकिंजे सेल है, एक पिरामिडल सेल है, ठीक है। पुरकिंजे सेल आप देख सकते हो इस तरह से दिख रही है, पिरामिडल सेल इस तरह से दिख रही है, पुरकिंजे फाइबर भी आपने पढ़े होंगे हार्ट वाले चैप्टर में, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो कि हिस्टोलॉजिस्ट के नाम पे दे दिए गए हैं या फिर उनकी शेप को ध्यान में रखते हुए दे दिए गए हैं। जैसे कि ये पुरकिंज एक हिस्टोलॉजिस्ट के नाम पे दिए गए हैं, पुरकिंज एक हिस्टोलॉजिस्ट है पुरकिंज, ठीक है, उसने अपने ही नाम पे सेल का नाम दे दिया गया है, और ये पिरामिडल सेल है, इसकी शेप की वजह से दिया गया है। तो पुरकिंज सेल कहाँ मिलती है, सेरेबेलम में मिलती है, और पिरामिडल सेल कहाँ मिलती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलती है, ब्रेन की, ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। देखिए कॉर्टेक्स वो हिस्सा होता है जो बाहर वाला हिस्सा होता है, आपको बता चुका हूँ मैं बहुत पहले, ठीक है, सेरेब्रल हिस्सा वो होता है जो कॉर्टेक्स बाहर वाला होता है, तो कॉर्टेक्स कॉर्टिकल रीजन मिलेगा बाहर वाले हिस्से में, मिलेगा ब्रेन के सेरेब्रम के, ठीक है। अच्छा जी, तो बस इसके बाद बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशन, एफरेंट क्या होता है, इफरेंट क्या होता है, तो जानते हो जो मैसेज को लेके आ रहे हैं उसको इफरेंट बोलेंगे, जो मैसेज को लेके जाएंगे मसल तक या सेल तक उसको इफरेंट न्यूरॉन बोलेंगे, ठीक है। और एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होता है, जो बीच वाले न्यूरॉन होते हैं, मैंने बोला था ना बीच वाले जो प्रोसेस करते हैं उसको मैंने नाम नहीं बताया था, लेकिन ये है वो जो बीच वाले होते हैं जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और ये मोस्टली मल्टीपोलर होते हैं, और ये मोटर नेचर के होते हैं, और इनको हम सेंसरी बोलते हैं। मैंने कल ही आपको सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये सब आप पीडीएफ पढ़ लेना, आपको सर में आ जाएगा, इतने स्मार्ट आप लोग हो और मुझे इस बात की खुशी भी है। चलो जी, कुछ ग्लियल सेल है, ग्लियल सेल को मैं कल पढ़ाऊंगा, आई होप मेरे जो न्यूरॉन पढ़ाए हैं वो समझ में आ गया होगा, ग्लियल सेल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, चलो जी। अगर किसी कोई डाउट है तो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो अभी, और अटेंडेंस आपकी लग जाएगी इस ऐप के थ्रू, ठीक है, जो भी एमए वाले बच्चे हैं सबकी अटेंडेंस लग जाएगी इस ऐप के थ्रू। तो बताइए किसी कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, देखो मैं लेक्चर एंड करता हूँ, फिर मुझे ना उनके साथ लेक्चर लेना है, 10th वालों के साथ। नो डाउट, नो डाउट, नो सर, ओके, क्लास में खत्म करते हैं, आप लोग